में विश्वास। कबीर जी, नामदेव, गुरु नानक देव जी आदि भक्तों ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु का होना जो है बहुत जरूरी बताया। गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने का ढंग बताता है। गुरु नानक देव जी ने गुरु को परमात्मा तक पहुंचने वाली जो है सीढ़ी बताया है। गुरु मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर 3 है आत्मसमर्पण। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों के अनुसार मनुष्य को अपना सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। प्रभु की दया से मनुष्य के सभी बिगड़े हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परंतु आत्मसमर्पण के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नामक जो 5 अवगुण हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने यह बिल्कुल ठीक कहा है, आप गवाइए ता सहु पाइए। मतलब अपना आप गवाने से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पवित्र जीवन पर बल। भक्ति प्रचारकों ने लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उन्हें निर्धनों तथा दुखियों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें ईमानदारी से आजीविका जो है अर्जित करनी चाहिए। कबीर जी, गुरु नानक देव जी आदि जो हैं भक्त संसार का त्याग करने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि अंजन में निरंजन अर्थात ग्रीस में रहते हुए ही हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और जो है भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा करने का यत्न। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण दोनों के परस्पर संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। दोनों एक दूसरे से घृणा की दृष्टि से देखने लगे। दोनों इन दोनों धर्मों के परस्पर मतभेदों को दूर करने के लिए कबीर जी और गुरु नानक देव जी ने बहुत से यत्न किए। उन्होंने उन सभी विचारों का जोरदार शब्दों में खंडन किया जो हिंदू और मुसलमानों के परस्पर अंतर की भावना को उत्साहित करते थे। उन्होंने राम और रहीम को एक ही परमात्मा के नाम बताए, ठीक है। उसके बाद है, जब गुरु नानक देव जी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने लोगों को ये उपदेश दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। आगे है सामान्य जन की भाषा में प्रचार। उन्होंने सादे सरल भाषा में जो लोगों को जो है अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। संस्कृत भाषा जो था उसका उन्होंने प्रयोग नहीं किया।